इतना तो कोई फेल होने के बाद नहीं रोता इतना तो कोई फेल होने के बाद नहीं रोता ये इस पागल को आज 10th का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है तो हम लोग सब काम धाम छोड़ के बस 12:30 बजने का वेट कर रहे थे और जब से रिजल्ट आया रोए जा रही है। इसी जगह से मेरा व्लॉग कट हो गया था, उसके बाद मैंने शूट ही नहीं कर पाया काफ़ी देर से, और मैं हो चुकी हूँ रेडी पूरी तरीके से और हम लोग जा रहे हैं गौरी के पास होने की खुशी में पार्टी देने हैं। इधर मेरे को रखी ये पकड़ना, चप्पल रखी वो निकाल, ये वाला बैग तुम ले लो, तो ये वाला ऐसे करके तो जल्दी जल्दी रेडी हुई, खुशी की मारे ठिकाना नहीं है हम लोगों का, इतने ज़्यादा खुश हो चाहे जितना भी कॉन्फिडेंट हो पास होने का, बट थोड़ी तो टेंशन लगती ही लगती है। जब मौका लगे तब पार्टी कर लो, कुछ रह तो नहीं गया है ना, ये लेके चलोगे? पानी पी लो, प्यास लग रही, कहीं भी निकलो ना तो फिर पानी पी के निकलो, सही रहता है। पियोगी तुम? प्यास मैं बैग में रखती है, ठीक है? मैं ये रुआवजा वाली बॉटल फेंकती नहीं हूँ, कुछ दिनों तक इसमें पानी भर के रखती हूँ तो बहुत अच्छा सा खुशबूदार पानी मैं थोड़े दिन पीती हूँ। खुशबूदार मैंने यही वाला टॉप पहन लिया जो मैंने कल के ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया था, शीन से जो मैंने मंगवाया है, और बस हम लोग जा रहे घूमी करने। सॉरी माइंड मत करना, थोड़ा सा मैं जल्दी में हूँ इस वजह से। अभी तक मैंने बताया ही, बता तो दूँ गौरी के आए हैं 75% मार्क्स, तो गौरी पास हो गई है फर्स्ट डिवीज़न से 10th में। थोड़ी सी टेंशन तो रहती ही है, और अभी पता है आज मेरे यहाँ मॉर्निंग से लाइट नहीं आ रही थी, मॉर्निंग से लाइट नहीं आई है, गौरी का रिजल्ट निकलने के बाद लाइट आई है। गौरी का रिजल्ट निकल गया था 12:30 की टाइमिंग थी, उसके बाद लाइट आई, जल्दी जल्दी सब घर का काम हुआ, नहाया वगैरह, और बस रेडी होकर के निकल रहे हैं घूमने के लिए। नन्नू भी रेडी हो गई, नन्नू देखो इधर, देखो तुम, अरे इतना गुस्सा नहीं करते, गंदी बात। तो आज हम करेंगे जम के इंजॉय, गौरी इसीलिए कहीं नहीं जा रही थी क्योंकि इतने दिन से ही आई है, इसका यही एक मकसद था कि रिजल्ट आने के बाद घूमने चलेंगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशन मैडम, थैंक यू। सो रिजल्ट निकल आया है फाइनली, अब हम लोग जा रहे हैं घूमने करने के लिए, थोड़ा सा फ्री हो करके एकदम रिलैक्स माइंड से घूमने का मजा ही कुछ और। अब रिलैक्स मिला, आपको कैसा लग रहा है पास होकर के? बहुत अच्छा। चलो चलते हैं घूमने करने। जीजू बेसमेंट में है ना? हाँ नन्नू, हाँ आवाज हो रही थी। नन्नू के बाल कितने छोटे हो गए, क्लिप लगाई वो आगे आगे के आए गए, हटाओ नहीं छोना, अच्छी लग रही है अभी, अच्छे से मम्मा और लगा देगी आपकी। हाँ नेल पेंट लगाई, और नेल पेंट लगाओ छूटे ना, ये शगुन कैसे मिस हो सकता है। चलो उसके बाद 14 फ्लोर पे जा करके इसने बेसमेंट का दबा दिया, और वो 14 फ्लोर पे रुकी रही 2-3 मिनट। वो 3 मिनट मेरे लिए 3 साल के बराबर हो गए, मतलब पैनिक अटैक आने वाला था। क्या क्या सोच लिया हम लोगों ने, मेरा दिमाग काम करना बंद किया 3 मिनट के बाद। मैंने कहा फ़ोन लाओ जल्दी, मोबाइल लिया, वैसे याद आ गया ये वाली लिफ्ट बेसमेंट में नहीं जाती है, एक लिफ्ट बेसमेंट में नहीं जाती है। सो एकदम कहते नहीं है हड़बड़ाहट में आपका दिमाग काम नहीं करता है, सो इस वजह से क्या बोलते हैं बेसमेंट वाली लिफ्ट में हम लोग गए नहीं। बड़ी लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर तक जाती है और जो छोटी लिफ्ट है वो बेसमेंट जाती है, तो बहुत ज़्यादा घबराहट हो गई थी। गौरी तुम डर गई थी क्या? गौरी भी बहुत तेज डर गई कुछ, जबकि ये बात पता है अच्छे से कि वो बेसमेंट में नहीं जाती है, तब भी आज फालतू में ही घबराहट हो गई हम लोगों को, और सिर्फ 2-3 मिनट की बात थी। हम लोग इतने दिन हो गए जीआईपी के इतने पास हैं, जीआईपी ग्रेट इंडिया पैलेस, सो वहाँ पर अभी तक नहीं गए, सोचिए। और जब गोविंदपुरी रहते थे तब कितनी बार हम लोग जीआईपी जा चुके हैं, और यहाँ पर 1 महीने से ऊपर हो गया है, बट आज गौरी के साथ लिखाता जाना, क्यों गौरी?
यार सच में अब तो मैं खुद से परेशान हो गई हूँ, इतना जी क्यों घबराता है मेरा, मतलब इतनी जरा सी दूर के लिए भी 15 मिनट में मैं आ गई और उसमें ही मेरा जी घबरा गया। अच्छा हवा तो बहुत अच्छी चल रही, बट गर्म चल रही है ना, लपट। देखो हो जाए तो अच्छी बात है, गर्म हवा चल रही है, लपट सी चल रही है। ननू का क्या? हेलो विशाल। अच्छा कार, कार। अच्छा आ जाओ, चलो 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 जाओ। हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, हम लोग वॉकी वॉकी कर रहे हैं अभी, हम लोग घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, सोच रहे हैं मूवी देखें, बट ये बोल रहे हैं कि ये वाले हाँ चलो, अभी हम लोग सोच रहे हैं मूवी देखें, बट मूवी देखने का प्लान कैंसिल हो रहा है, ये नहीं बोल रहे हैं, ये नहीं देख रहे, कह रहे मूवी क्या करोगी, मूवी कोई ढंग की लगी नहीं हुई है। मैंने कहा चलो, नन्नू को सबसे ज़्यादा मस्ती आ रही है, कोई अच्छी मूवी नहीं लगी, कह रहे अच्छी मूवी लगेगी तब देखना। मैंने कहा चलो ठीक है। अरे गिरा दिया उसने, बन ले। हाँ ननू, ननू कितना भी ऊंचा झूल लेती हूँ। हाँ पक्का पक्का, डर नहीं लगता? मुझे तो जरा से ऊंचे में ही डर लगने लग रहा है, हमें बहुत ऊंचे ऊंचे झूले हैं, एक पार्क बना हुआ है, मतलब शहीद मेले में सबसे वो है 3 मंजिल पे झूला आया, तो हमने झूला। अच्छा मैंने पूरी नवाज भी लगी होगी ना इस टाइम? नहीं लगी, इस बार नहीं लगी। लगी नहीं? नहीं। अच्छा वोट नहीं थी, सब इलेक्शन में चली गई। अच्छा इस साहब जी से पूछा था, बोला मैं तो झूल ही नहीं पाती हूँ, झूले मेरा तो सारे झूले छूट गए बिल्कुल, मतलब मैं इतने ऊंचे ऊंचे झूल लेती थी, मम्मी से बोलती थी सबसे ऊंचा वाला झूलना है मुझे। लखनऊ महोत्सव में भी एक बार झूला था सबसे ऊंचा वाला, बट फिर पता नहीं क्या हो गया, अचानक से डर लग गया, बंद हो गया मेरा झूला ही एकदम बंद हो गया। डर लग क्या? आराम से आराम से आराम से आराम से धीरे से चल, देखो है हमने कहा था, चलो कोई बात नहीं छोड़ो, वो गिर जाने दो। झूला है, हाँ
अच्छा ठीक है। फ्रेंड्स वेरी वेरी गुड इवनिंग। हम लोग आ गए मस्ती काट के और अब जा रहे हैं, जो कल काम एक्चुअली अधूरा रह गया था और मैंने आपको एक कल मैं सबको दिखा चुकी हूँ, फिर से दिखा रहे हैं। सो आज मैंने क्या किया, बहुत बड़ा स्टिकर था तो इसको दो पीस में कट कर लिया है। तो अगर आप भी मंगवाएं तो इससे थोड़ा सा आपको इजी रहेगा, आप काट लेना क्योंकि ये पूरा एक स्टिकर है तो आपको लगाने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। कल लगा नहीं पाया था तो आज मैं लगाने जा रही हूँ जल्दी से। मैं ट्राईपॉड ले आती हूँ और कल मेरी एक ब्लॉग की क्लिप ही डिलीट हो गई गलती से, बाई मिस्टेक। बहुत कुछ टेक्निकल होता रहता है मेरे साथ और कल छोटी सी जो एंडिंग क्लिप थी वो ही डिलीट हो गई। और ये है मेरे मोटो से पति और मैं छोटू सी बीबी। कहाँ मोटू? तो सही है ना, मोटू और छोटू। लग गया मेरा स्टिकर, कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत मेहनत से लगाया सच में। फैन एंड ऑफ करके गर्मी लग गई, बहुत बड़ा स्टिकर था, बहुत केयरफुली लगाना पड़ा। कौन सा ये रहा, बहुत ज़्यादा केयरफुली लगाने पड़ा तब ये इस तरीके से है। चलिए मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। तो मेरे कान्हा जी लग गए हैं और अभी तक मुझे पता ही नहीं था ये बात। आई नो कुछ लोग मुझे सिली समझेंगे, जो स्टिकर आते हैं उनके साथ वो जो एक छोटा सा नहीं लग करके आता है, मुझे पता ही नहीं था कि उसको भी हम कहीं लगा सकते हैं। तो अभी तक मैंने वो सारे फेंक दिए, बट इस वाले का अचानक से पता चल गया तो मैंने यहाँ पर लगा दिया छोटू सा, ये कान्हा जी का स्टिकर स्विच के बगल में। सो मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ, शायद मेरी तरह किसी और को भी ये चीज़ ना पता हो, जो छोटा सा स्टिकर होता है वो भी लग जाता है। सो आगे जितने भी स्टिकर हैं मैं उनके फेंकूंगी नहीं, छोटे छोटे कहीं ना कहीं लगा दूंगी। तो ये वाला मैंने लगा दिया है, इतने सारे मैंने फेंक दिए। थोड़ा सा अफसोस हो रहा है मुझे कि वो सारे भी मैं छोटे छोटे कहीं लगा सकती थी। सो आपको ये स्टिकर कैसा लगा मुझसे ज़रूर शेयर करना, मुझे तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक तो भगवान जी का स्टिकर है ऑब्वियसली, ऊपर से इतने अच्छे से लग गया है और गेट खुला रहेगा, रौनक बढ़ गई है मेरे पूजा रूम की पूरी तरीके से। और आप लोगों के लिए एक और गुड न्यूज़ है, मैं अपना बहुत जल्दी से डेकोरेशन स्टार्ट कर रही हूँ, सारा सामान अवेलेबल हो गया है। सो आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे डेकोरेशन और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, सो आप लोग उसका वेट करना। ब्लॉग्स भी मिलेंगे ऑब्वियसली, ब्लॉग्स के साथ साथ डेकोरेशन वाले भी मिलेंगे। सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ। हम लोगों ने बहुत मस्ती की बाहर जा कर के और मेरा थोड़ा सा सर भारी हो गया एंड टाइम पे, और ये मेरे साथ हमेशा का है बचपन से लेकर के। मैं कभी भी कहीं भी बाहर जाती हूँ तो मेरा सर भारी हो जाता है। बचपन में मम्मी मेरी नज़र उतार के डालती थी तो तब मैं एकदम से ठीक हो जाती थी और अभी भी कुछ ऐसा ही है। आई नो कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा नहीं होता, नज़र वज़र नहीं होती, नहीं तो बट नहीं, नज़र भी होती है, ऐसा नहीं होता है। जैसे बच्चों को नज़र लग जाती है और कोई ये भी बोलेगा कि हाँ तुम बड़ी होल की परी हो जो तुम्हें नज़र लगी, नज़र का सुंदरता से कोई लेना देना नहीं होता है। नज़र का कुछ अलग ही सिस्टम होता है, वो लग ही जाती है, किसी को भी लग सकती है वो, किसी को भी, बड़े से बड़े को, बूढ़े से बूढ़े को, छोटे से छोटे को नज़र लगनी होती तो लगी जाती है। तो मेरे साथ हमेशा ऐसे हो जाता है, कहीं मैं बाहर से होकर के आती हूँ तो थोड़ा सा ना सर भारी भारी सा हो जाता है, तो मैं नज़र उतरवा लेती हूँ अपनी तो मैं एकदम फिर से ठीक हो जाती हूँ। सो
मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी, क्योंकि जो बात माइंड में आ जाती है मैं शेयर कर देती हूँ, क्योंकि आप सब मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो और उसका मतलब प्रूफ है कि जो मैंने अपनी शादी का एल्बम बनाया था और जो अर्निंग वाला वीडियो बनाया था, दोनों वीडियो पे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं कि मेरी तो आँख भर आई थी वो कमेंट्स पढ़ के कि आप लोग मुझे इस हद तक प्यार करते हो। कुछ मायने नहीं रखता, व्यूज़ मायने नहीं रखते, सब्सक्राइबर मायने नहीं रखते, बट इतने सारे लोगों की ब्लेसिंग्स, इतने हजारों लोगों का इस कदर प्यार, जेन्युइन वाला एकदम जो कमेंट्स के थ्रू पता चलता है, वो देख करके मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ। बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रहे हो आप लोग, मैं कितना शुक्रिया अदा करूँ उतना ही कम है। थैंक यू सो मच मुझे अपना प्यार देने के लिए। आज कोई भी डिनर विनर नहीं बनेगा, हम लोग बाहर से ही खा करके आ गए थे और मैंने मेरे पति देव बोल रहे तुम्हें बताने क्या ज़रूरत है तुमने क्या खाया। लोग खुद ही समझ गए होंगे, समझ गए कमेंट करना मैंने क्या खाया। चलो मैं बताती नहीं हूँ। तो बेटू कर रही है मामा से बात, यानी अपने पापा से बात। मुझे प्यास लग रही, बहुत प्यास लगती है सच में, कितना भी पानी पियो तुरंत प्यास लगाती है, गला सूखने लगता है बहुत तेज़ी से। मैं फिर से स्टिकर देखने आ रही हूँ। अब मेरे दो या तीन स्टिकर और रह गए लगने के लिए, वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में लगाऊंगी और बहुत अच्छी सी मैं डेकोरेशन करने वाली हूँ किसी की, मैं जल्दी से आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और गौरी की ज़्यादा बात लंबी चल रही है, हाँ बात ही कर रही है अभी तक। ओ भाई बहुत ज़्यादा चिल हो गया, इसको मैं एसी ऑफ कर दूँ। बेटू ना, बेटू कार से ही सो गई थी तो उठी नहीं है, कभी कभी क्या हो जाता है वो उठ जाती है, बट आज वो उठी नहीं है। मैं दिख नहीं रही हूँ, बोल रही हूँ केवल, सो उसको सोने ही दिया है, अब वो सोती रहेगी सुबह तक। ये देखिए मुझे इसकी इतनी टेंशन है, ये वाले इतने जो मुझे लैया के पैकेट है, लैया यानी पफ्ड राइस मुरमुरा भी बोलते हैं इनको, ये दो पैकेट ले आए मैंने, एक मंगाए थे, अब मुझे रखने की टेंशन हो रही है कि इनको मैं कहाँ रखूँगी। इनको भी मुझे डब्बे में करके रखना है अच्छे से, हम लोग झालमुड़ी बना के खाते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। ये है मेरे पति देव प्रांजल चतुर्वेदी उर्फ मोटू। मोटू पतलू? पतलू कौन है, हम भी मोटू तुम भी मोटू, दोनों ही मोटू। इतने हैंडसम मतलब हो तुम, नजर लग जाएगी तुम्हें। कहाँ से हैंडसम है, पहले थे बहुत, सब तारीफ कर रहे थे, कुछ पता भी है क्या कि आपके पति कितने हैंडसम है, शादी वाले शादी वाले वजन कम करना है, वजन नहीं बढ़ गया ना, बस यही बोलते रहो वजन कम हो जाएगा, वजन कम करना है, वजन कम करना है, डेली दो चार बार बोल लेते हैं वजन कम हो जाएगा इससे। क्या कहें मेरे पति देव कि क्या कहने, IPL के भक्त हैं ये, सब बोल रहे थे कि आप सबके घर में मतलब IPL के भक्त हैं, मेरे घर में भी IPL के भक्त हैं, सब कमेंट कर रहे थे। सब आदमी लोग एक से ही होते हैं क्या यार, हमसे बोलते हैं सब औरतें एक सी होती, सब लड़कियां एक सी होती, खुद कितने अलग होते हैं। औरतें भी एक जैसी होती हैं, औरतें नहीं तो एक जैसी होती हैं, औरतें अलग अलग होती हैं, कोई स्मार्ट, कोई बहुत ज़्यादा स्मार्ट, कोई उससे भी ज़्यादा स्मार्ट, आदमी एक जैसा होता है, दुष्ट। सब लोग एग्री करेंगे। मैं ठीक लग रही हूँ, अच्छी लग रही है। और मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ अपना स्टिकर को दिखाने के लिए एक बार फिर से, और यहाँ पर बैठ के मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। मैं एक बार और आपसे शेयर कर चुकी हूँ, किसको नहीं मिलता होगा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जो सुकून है वो कहीं नहीं है दुनिया में, है ना। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर अपने छोटे से पूजा घर के पास बैठ के, मैं जब बहुत ज़्यादा दुखी होती हूँ, परेशान होती हूँ, तब मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठ जाती हूँ, जब मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ तब भी मैं यहाँ पर बैठ जाती हूँ। सो मैं दोनों में, दुख में सुख में, दोनों में भगवान के पास ही रहती हूँ, बैठती रहती हूँ, भगवान जी के साथ एक अलग ही कनेक्शन मुझे फील होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैंने स्टिकर और लगाया है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो मैं यहीं पर आकर के बैठ गई हूँ, थोड़ी देर यहाँ पर बैठी रहूँगी और उसके बाद अपना काम करूँगी जा कर के। मेरे कान्हा जी के लिए एक लाइक तो बनता है,
सो बस अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी और जल्दी मिलूँगी मैं आपके साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और डेकोरेशन के वीडियो का इंतज़ार करिएगा। और बस आज का व्लॉग यही था। गौरी फाइनली फर्स्ट डिवीज़न पास हो गई है 10th में, सो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, इन्जॉय भी करके आ गए हैं। बहुत अच्छा था आज का सुबह एक्चुअली आज की थोड़ी सी टेंशन भरी थी तो व्लॉगिंग भी मैंने स्टार्ट ही कर पाई। मेरी भी हार्ट बीट जैसे लग रहा था मेरा ही रिजल्ट आने वाला है, सो इस चक्कर में सुबह से व्लॉगिंग नहीं कर पाई थी, बस रिजल्ट के टाइम से ही व्लॉगिंग की। ऊपर से लाइट भी चली गई थी तो बहुत ज़्यादा आज ख़राब लग रहा था, पता नहीं आज इतना ख़राब क्यों लग रहा था। सो रिज़ल्ट निकलने के बाद फिर इतना अच्छा लगा, जितना ज़्यादा ख़राब लग रहा था उतना ही ज़्यादा अच्छा लगने लगा। सो चलिए, लाइफ यही है, सुख है दुख है। कहते नहीं मुझे वो वाला गाना बहुत अच्छा लगता है, वो वाले थोड़े आंसू हैं थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। चलिए मैं आपके कानों पर तरस खाऊंगी, ज़्यादा अत्याचार नहीं करूंगी और इस व्लॉग को करती हूँ एंड। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।